विश्वास एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आज शिमला के रिज मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदेशवासियों को ग्रीन दिवाली मनाने का संदेश दिया गया। जनता को पटाखे से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया ताकि लोग ग्रीन दिवाली मनाएं। इस मौके पर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रामेश्वर ठाकुर और सूसभा के अध्यक्ष राजीव सूद विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रामेश्वर ठाकुर ने प्रदेशवासियों को धनतेरस और दिवाली त्यौहार की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दिवाली का पर्व खुशी और उल्लास का पर्व है। पर्यावरण दूषित ना हो इस बात का ध्यान रखते हुए लोगों को ग्रीन दिवाली बनाने की आवश्यकता है। प्रदेशवासियों को आज धनतेरस और आने वाले दिवाली त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि सभी को विदित है, दिवाली का त्यौहार श्री रामचंद्र जी के 14 साल के वनवास पूरा करने के बाद वापस घर लौटने की खुशी में मनाया जाता है। इस खुशी को प्रकट करने के लिए अयोध्या वासियों ने पटाखे चलाकर, दीप जलाकर और घरों की साज सज्जा करके अपने खुशी का इजहार किया था। उसी प्रकार हम भी भारतवासी पूरे भारत में इस दिवाली के त्यौहार पर, जो आज धनतेरस से शुरू हो जाता है, श्री रामचंद्र जी के घर लौटने की खुशी में अपनी खुशियां प्रकट करने के लिए पटाखे चलाते हैं, मिठाइयाँ बाँटते हैं, साज सज्जा करते हैं और घर में दीपक जलाकर अपने परिवार और समाज के साथ अपनी खुशियों को बांटते हैं। पहले जनसंख्या कम होती थी, इसलिए पटाखे चलाकर लोग कई कई दिनों तक पटाखे चलाते थे और पर्यावरण पर उसमें कोई इस प्रकार का कोई असर होने का अंदेशा नहीं होता था। लेकिन आज समय के साथ साथ हमारी जनसंख्या बढ़ चुकी है और अगर हम उसी स्तर पर आज भी पटाखे चलाएँ तो पर्यावरण को पर उसका उल्टा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए आज हमारी सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम दिवाली जरूर मनाएं, क्योंकि ये परिवार के साथ, सब समुदाय के साथ मिलकर आज सभी परिवार के लोग जो बाहर भी होते हैं वो भी घर आकर, जैसे रामचंद्र जी 14 साल के वनवास के बाद वापस आए थे, तो लोग दूर दूर से आज इस त्यौहार के मौके पर वापस घर आते हैं और परिवार और अपने गाँव पड़ोस के साथ अपने खुशियों का इजहार करते हैं, खुशियाँ बाँटते हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इस खुशी को इस प्रकार बांटे कि हम पर्यावरण का भी ध्यान रखें और अपनी खुशियों को भी इंजॉय करें। तो हम जो आज का सरकार की तरफ से भी है, लोगों का भी है कि हरित पटाखे चलाएं और जो सरकार द्वारा निर्धारित समय है, जो मेरे ख्याल 8 बजे से 2 बजे तक का 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, उन 2 घंटे में हरित पटाखे चलाएँ और साथ ही हम घर की साज सज्जा में और दिवाली पर जो दीपक जलाते हैं उनमें कोशिश करें कि जो हमारे कार्मिक हैं, जो बेचारे निचले स्तर पर अपने दीपक बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनकी चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने घर को दीप माला से सुसज्जित करें। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। वहीं विश्वास एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अनिल गोयल और सूसभा के अध्यक्ष राजीव सूद ने प्रदेशवासियों से ग्रीन दिवाली मनाने की अपील की। आज हमने ये गांधी जी की प्रतिमा के समीप हिमाचल में दिवाली का पर्व नजदीक आ रहा है, इसी के उपलक्ष्य में एक पूरा प्रदेशवासी बल्कि देशवासी भी एक ग्रीन दिवाली मनाएं, पटाखों से परहेज करें, क्योंकि पहले ही इन्वायरमेंट, जो विश्व का जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत ही भयंकर बदलाव आए हैं। तो हमारा सभी का उद्देश्य बनता है, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कि हम मिलजुल कर इस दिवाली को ग्रीन दिवाली के रूप में मनाएँ और जिससे कि आने वाले समय में जो हमारा पर्यावरण है हम उसको भी सुरक्षित रख सकें और जो हमारी युवा पीढ़ी है हम उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ ना करें और उनका भविष्य और भी उज्जवल हो। तो सबसे पहले तो सब प्रदेशवासियों को दिवाली के पर्व की, जो आज धनतेरस से 5 दिवसीय जो दिवाली का पर्व है, उसकी शुभकामनाएँ और मंगल कामनाएँ करते हैं। और जो ये हमारा सिर्फ संदेश क्या है, एक तरह का सबको समझना चाहिए कि हम अपना जो पोल्यूशन है उसका, चाहे वो नॉइज हो, चाहे वो और भी टाइप के पोल्यूशन जो है उनको, सिर्फ एयर पोल्यूशन है उनसे बचना चाहिए। जैसे अभी चेयरमैन साहब ने भी कहा कि हमारी पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ चुकी है, संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है, अगर इसी तरह से हम काफ़ी पटाखे बजाते रहें तो पर्यावरण में उसका जरा दुर पड़ता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए पर्यावरण का भी और अपना भी रखना चाहिए और सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपने देखा होगा काफ़ी लोग जो हैं इसमें, बच्चे भी हों या बुजुर्ग भी हों, वो कुछ खा पी के जो उनसे है इसका पटाखे पटुखे जलाते हैं, जिससे कि वो फिर वो बर्न इंजरी वगैरह भी हो जाती है। तो इसलिए सेफ्टी का भी बहुत ध्यान रखें। ग्रीन पटाखे जो हैं वो आजकल उपलब्ध हैं मार्केट में और ये जो इस टाइप के जो केमिकल वाले जो से पटाखे मिलते हैं, जो सहारनपुर से या कहीं और से आते हैं, उसमें हमें थोड़ा सा रेस करना चाहिए। हमें जो है हरित पटाखे जो अब मिलते हैं जलाने चाहिए। हर्षोल्लास का उत्सव है, सेलिब्रेट करना चाहिए, ट्रेडिशनल वे में करें,
ज़्यादा बेटर है। हमारा जैसे दिया जलाते हैं, जिससे कि हमारे एक छोटे वर्ग के लोग हैं उनको भी इससे रोज़गार मिलता है, उस टाइप के फूल की सजावट करें, दिए जलाएं, मिठाइयाँ जो है अपने ट्रेडिशनल उसका एक दूसरे साथ एक्सचेंज करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वेस्टर्नाइज करने की जगह इसको एक मार्केटिंग गिमिक ना बना के हम इसको त्यौहार की तरह अगर जो इसको मनाएं, तो वाकई ये ग्रीन और इको फ्रेंडली जो है दिवाली होगी।